Good evening everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow With Me. तो आज हम बात करेंगे how to face your first teaching interview and how to get selected in that. So first of all, जब भी आप interview के लिए मेरे पास comments आ रहे थे, मैंने आप लोगों के comments पढ़े हैं. Definitely मैं read out करती हूँ और कोशिश करती हूँ as soon as possible एक common video बना के आप उसका reply कर सकूँ. सो जिन कैंडिडेट्स का भी इंटरव्यू होने वाला है नेक्स्ट वीक में है या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में है, तो हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, हाउ टू अवॉइड नर्वसनेस ड्यूरिंग द इंटरव्यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट बी नर्वस. ये सिर्फ बोलने से नहीं होता, आई नो, बट अगर आप एक चीज़ अपनाएंगे तो डेफिनेटली नर्वसनेस दूर हो जाएगी. हमेशा बी कॉन्फिडेंट एंड बिलीव इन योरसेल्फ. हमेशा किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करना है, इंटरव्यू को क्लियर करना है, अपने हमेशा ये ध्यान रखिए आई एम द बेस्ट. अगर आप ये फंडा अपनाएंगे कि दिस मुझसे बेस्ट कोई है ही नहीं, तो डेफिनेटली इंटरव्यू को क्रैक करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. अब जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप सिर्फ आप ही को नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट्स को कॉल किया होगा. दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं इन प्राइवेट स्कूल. बहुत सारे कैंडिडेट्स मिलेंगे, कुछ कुछ तो ऐसे मिलेंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपस में डिस्कशन कर रहे होंगे आप किस स्कूल से हो. बट उनको देख के अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है. ऐसा नहीं सोचना है कि ये मुझसे सुपीरियर है. डोंट डिस्कस एनीथिंग विद देम. उनसे मत पूछिए आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है या आप कौन से स्कूल से आए हैं, क्योंकि जब हम देख लेते हैं अगर हमें 2 साल का है और सामने वाला 10 साल या 5 साल वाला बैठा होता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस वैसे ही लूज हो जाता है. तो प्लीज़ डोंट डिस्कस एनीथिंग, कोई डिस्कशन नहीं करना है उधर आपको. आप अपनी प्रिपरेशन रखिए एंड ट्राई टू अवॉइड स्टडीज इन द लास्ट टाइम पे पढ़ना अवॉइड करिए, ठीक है. बट अपने घर से हमेशा अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा प्रिपेयर करके जाएंगे, क्योंकि जब इंग्लिश फ्लुएंट नहीं होती एज़ पर माय एक्सपीरियंस, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, मेरी भी इंग्लिश कुछ खास नहीं थी, हाँ बस एवरेज थी. बट मुझे बहुत डर लगता था जब मैं ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में आती थी, तो मैं अटकने वाली होती थी, बट तभी भी संभाल लेती थी बिकॉज आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन. मुझे अपने आप पर भरोसा रहता है शुरू से ही. सो आपको क्या करना है, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश. अपने इंट्रोडक्शन के लिए 10 से 12 लाइन इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, इतने अच्छे से फ्लुएंटली बोलिए, बार बार प्रैक्टिस करिए घर में बाहर. अगर 2 दिन हैं आपके पास, अब मंडे को इंटरव्यू है, मिरर के सामने शुरू हो जाइए, वो लाइन इतने अच्छे से लर्न कर लीजिए कि किसी को पता ही ना लगे कि आपकी इंग्लिश अच्छी है या नहीं. हम लोग प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम्स के लिए भी, राइट. सेकेंड थिंग, आपका दूसरा क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, वाई डू यू वॉन्ट टू चेंज द जॉब. सो आपको ये ध्यान रखना है, जब आप ये वाला क्वेश्चन आएगा, आपको प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की कभी भी बुराई नहीं करनी है. अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बुराई करते हैं तो दैट शोज योर वीकनेस. सी, वही पर्सन दूसरों में बुराई निकालता है जिसके अंदर खुद में बुराई होती है, ये आप जानते हैं. तो प्लीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट, डोंट गिव एनी नेगेटिव कमेंट ऑन द प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन. जहाँ पे भी वर्क कर रहे हैं उसकी हमेशा तारीफ ही करनी है. आप ये बता सकते हैं कि मेरे को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है, इसीलिए मैं करना चाहती हूँ स्विच. आई वॉन्ट टू टेक सीनियर क्लासेज, जैसे कि मेरे पास वहाँ पे 6th-7th क्लास है, मैं 8th-9th-10th-11th-12th लेना चाहती हूँ. आप ये बोल सकते हैं टू ग्रो प्रोफेशनली, जो भी अपना रीजंस बोलना है, पर ऑर्गेनाइजेशन की बुराई नहीं करनी, राइट. आप ये बोल सकते हैं कि अभी जो मेरा टीचिंग सब्जेक्ट है, मैं जूनियर क्लासेस लेती हूँ, या मेरे को एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी दे रखा है, जैसे साइंस का सब्जेक्ट के साथ मुझे इंग्लिश भी दे रखा है, दैट आई डोंट वांट टू टेक. कुछ ऐसा कोई ना कोई आप एक्सक्यूज बना के या बोल सकते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन की बुराई नहीं करेंगे. थर्डली, आपका जब इंट्रोडक्शन देंगे तो उसमें अपनी हॉबीज ज़रूर बताएंगे, अपनी स्ट्रेंथ ज़रूर बताएंगे, क्वालिफिकेशन बताएंगे, एक छोटा सा फैमिली बैकग्राउंड देंगे एंड अपना एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो एक्सपीरियंस बताएंगे, अगर आप वर्किंग है तो प्रेजेंटली अपने प्रेजेंट स्कूल का नाम बताएंगे, राइट. आफ्टर दैट क्वेश्चन ये डेफिनेटली आएगा कि व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड सैलरी. सैलरी के बारे में आप कभी भी कुछ नंबर में नहीं बोलेंगे, आप बोलिए एज पर द स्कूल ग्रेड. नंबर नहीं बोलेंगे 30,000 चाहिए, 40,000 चाहिए, नो, नॉट एट ऑल. बोलिए एज पर योर स्कूल ग्रेड या एज पर TGT ग्रेड आई एम एक्सपेक्टेड. नंबर तभी भी वो फोर्स करेंगे, देन आप बोल सकते हैं कि फॉर PRT एटलीस्ट 30,000 से कम नहीं बतानी है एंड फॉर TGT आप 40,000 से ऊपर ही बताइए, राइट. क्योंकि आप 40 बोलेंगे तब वो आपको 35 जाके देंगे, राइट. आफ्टर दैट दे डेफिनेटली टेल यू व्हाई शुड आई हायर यू. मैनेजमेंट बोल देती है कि मैं आपको क्यों जॉब पे रखूँ, ऐसा क्या है आप में डिफरेंट. तो आपको बताना है आपकी डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं कौन सी. डिफरेंट में आप क्या बता सकते हैं, सीटेट क्वालिफाइड तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैं,
आप बता सकते हैं मैं एक्सपीरियंस हूँ, मैं जूनियर को एज वेल एज सीनियर क्लासेस को कर सकती हूँ मैनेज, मैं स्लो लर्नर्स के रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकती हूँ, राइट? पर जो भी आंसर देंगे उसका रीज़न हमेशा तैयार रखेंगे कि आप अगर वो बोलेंगे स्लो लर्नर को कैसे कैसे हेल्प करेंगे, मैं एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कर सकती हूँ, मैं आपके स्कूल का रिजल्ट अच्छा कर सकती हूँ, मैं आपके स्कूल को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकती हूँ बाय पार्टिसिपेटिंग इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, बच्चों को प्रिपेयर करा सकती हूँ, ये सब चीज़ें आप बताएंगे उधर, राइट? थैंक यू एवरीवन, बट स्टिल इफ़ यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ सजेशन प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेशन सो दैट आई कैन मेक द न्यू वीडियो फॉर यू. थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे.